हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की वीडियो में मैं आपको फुल फ्लेयर प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए जो मैंने कपड़ा लिया है वो लिया है मैंने कॉटन में, और इसे लिया है मैंने टोटल 4 मीटर। अगर आपकी लेंथ 37 से ज़्यादा है तो आपको 5 मीटर लेना है, और इसके लिए हमको 2 मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। एक चाहिए होती है लेंथ, दूसरा हिप। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन में आपको अपना मेज़रमेंट दे दिया है, आपको अपने अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लेके इसकी कटिंग करनी है। अब हम कपड़े को खोलेंगे तो यहाँ पे टेबल में पूरा कवर नहीं हो पाएगा कपड़ा, तो मैं आपको ज़मीन में बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है, 1, 2, 3, 4, और ये चारों मेरी कन्नी वाली साइड है, ठीक है। और इस साइड से ही मेरी ये चारों कन्नी वाली साइड है। तो इस तरीके से आपको 4 फोल्ड में कपड़े को बिछाना है। ये मेरी बन साइड है और उस तरफ से खुली वाली साइड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ कॉर्नर से मैं कमर का निशान लगाऊंगी। तो कमर का निशान लगाने के लिए हम हिप का यूज़ करेंगे। तो हिप है हमारे यहाँ पे 38 इंच, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9.5 इंच। तो इस तरीके से आपको अपनी हिप का 4th पार्ट करके जहाँ पे 9.5 इंच आएगा वहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है क्रॉस में, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पे लेंथ का निशान लगाना है। तो जहाँ पे हमने कमर का निशान लगाया वहाँ पे इंच टेप को रखेंगे सीधा नीचे की तरफ के लिए, और लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ है यहाँ पे 37 इंच, तो हम 37 पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और ऐसे ही हम पूरा गोलाई में 37 पे निशान लगा लेंगे, जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही आपको लगाना है। ये बहुत ही ईजी तरीका है फुल फ्लेयर प्लाजो को कट करने का। ये एक ही बारी में हमारा कट भी हो जाता है और सिलने में भी बहुत आसानी होती है इसमें। तो इस तरीके से आप निशान लगाएंगे हल्के हल्के। तो इस तरीके से आपको इस एंड तक भी निशान लगा लेने हैं। अब जैसे हमने निशान लगाए हैं वैसे ही हमें कटिंग कर लेनी है, ऊपर के साइड से भी और नीचे की साइड से भी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने निशानों के अकॉर्डिंग कपड़े को कट कर लिया है, ऊपर की साइड से भी और नीचे की साइड से भी। अब हम यहाँ पे आसन का निशान लगाएंगे। तो खुली वाली साइड से हम आसन का निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आसन की लंबाई रखी है 12.5 इंच, ये नॉर्मल साइज़ है। अगर आपका ज़्यादा साइज़ है तो आपको यहाँ पे आसन को बढ़ाना पड़ेगा। और चौड़ाई रखेंगे हम नीचे की साइड से 2 इंच की, और इसे इस तरीके से क्रॉस में मिला लेंगे, जैसे मैं मिला रही हूँ वैसे ही आपको मिलाना है। और इसके बाद हम यहाँ पे अपने क्रॉच एरिया की गोलाई दे देंगे। यहाँ पे मैं फ्रेंच कर्व का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी इसकी गोलाई दे सकते हैं इस तरीके से। और अब हम आसन की कटिंग कर लेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से ये हमारी प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब हम इसको साइड कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी प्लाजो की कटिंग। और इसमें जो हम ऊपर से इलास्टिक लगाएंगे उसके लिए यहाँ पे मैंने बेल्ट कट कर दी है इस तरीके से। 2 पीसेस कट करे हैं मैंने कपड़े के, और इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 4 इंच की। आपको अपने इलास्टिक के अकॉर्डिंग ही बेल्ट को कट करना है चौड़ाई में। यहाँ पे मेरा 1 इंच का इलास्टिक था तो मैंने 4 इंच की चौड़ाई में बेल्ट कट करी है। तो ये कंप्लीट कटिंग हो गई है हमारे प्लाजो की। अब हम स्टिचिंग की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेल्ट को साइड कर देते हैं और नीचे के पार्ट को रेडी करेंगे। तो इसमें से जो हमने प्लाजो के लिए 2 पार्ट कट करे थे उनको हम सेपरेट कर लेंगे, और एक पार्ट को हम इस तरीके से उल्टा करके बिछा लेंगे, जैसे मैं बिछा रही हूँ वैसे आपको बिछाना है। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे हमारा प्लाजो रेडी हो जाएगा सिर्फ 2 मिनट में। इस तरीके से कपड़े को बिछाने के बाद आपको यहाँ पे कन्नी वाली साइड सीधे में सिलाई लगानी है, आसन में आपको सिलाई नहीं लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, और इसी तरीके से मैंने दूसरे वाला जो हमारा घेर था उसमें भी सिलाई लगा ली है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पार्ट को मैंने सुलटा रखा है, एक को उल्टा। जो सुलटा वाला पार्ट है उसे हम उल्टे वाले पार्ट के अंदर डालेंगे, और आसन से आसन को इस तरीके से मैच करेंगे। यहाँ पे दोनों आसनों की सिलाई को हम मैच करेंगे और कपड़े को बराबर पकड़ेंगे, और हम गोलाई में सिलाई लगा लेंगे देखिए इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आसन को आपस में सिल लिया है इस तरीके से। देखिए जो हमारी सिलाइयाँ हैं वो आपस में
मिलती हुई आई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ पे बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट के लिए जो मैंने यहाँ पे दो पीसेस कट करे थे उसे मैंने आपस में सिल लिया है। अब जो हमारी बेल्ट की सुलटी साइड है उसे हम इस तरीके से नीचे रखेंगे, और जो हमारा प्लाजो है उसको ऊपर रखेंगे, और इस तरीके से हम गोलाई में सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बेल्ट को प्लाजो में अटैच कर लिया है गोलाई में, और नीचे की साइड से देखिए यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच भी लगा लिया है। तो इस तरीके से आपको भी लगानी है। अब हम यहाँ पे बेल्ट को फोल्ड करेंगे। तो बेल्ट को आपको इलास्टिक के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है, इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पे हम कपड़े को पिन अप करके सिलाई लगा लेंगे गोलाई में, और हल्का सा यहाँ पे एक जगह में सिलाई नहीं लगाएंगे इलास्टिक को अंदर डालने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बेल्ट को फोल्ड करके स्टिच लगा लिया, और हल्की सी एक जगह पे स्टिच नहीं लगा रखी है, ठीक है। तो वहाँ से हम इलास्टिक को अंदर डालेंगे। तो इलास्टिक को आपको कमर से 3 इंच कम लेना है, और उसे कट करके यहाँ पे देखिए मैंने एक साइड से पिन लगाई है। अब पिन की मदद से हम यहाँ पे इलास्टिक को अंदर डालेंगे और दूसरे एंड से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा इलास्टिक बाहर आ गया है। अब आपको इलास्टिक को एक के ऊपर एक रखना है, और यहाँ पे इलास्टिक में लॉक लगा लेना है। लॉक लगाने के बाद जहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई थी कपड़े पे, वहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, और इलास्टिक के ऊपर एक दो सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इलास्टिक में एक दो सिलाइयाँ लगा ली हैं ऊपर से, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे बेल्ट भी रेडी हो गई है। अब हम नीचे की साइड से जो हमारा घेर है उसे फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से आपको कपड़े को डबल फोल्ड करना है 1/2 इंच के लगभग, और सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हम इसका आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे फुल फ्लेयर प्लाजो का लुक। आप चेक कर सकते हैं, देखिए कितना अच्छा घेर बनाया है यहाँ पे हमारा। देखिए इस तरीके से ये हमारा फुल घेर है, और बैक से भी आप चेक कर लीजिए, इस तरीके से ये हमारा फुल घेर आया है यहाँ पे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।